नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोल मेमोरी। अब माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल मेमोरी का यूज होता है। अभी तक हम सारे लेक्चर्स में, अभी तक प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि कंट्रोल मेमोरी में क्या होते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस स्टोर्स होते हैं, और माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग होते हैं, क्योंकि माइक्रो प्रोग्राम में मल्टीपल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और हर माइक्रो इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं। तो कंट्रोल मेमोरी क्या है, इट इज़ दी स्टोरेज इन दी माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट टू स्टोर दी माइक्रो प्रोग्राम। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में ये एक स्टोरेज का वर्क करती है कंट्रोल मेमोरी, जिसमें माइक्रो प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। माइक्रो प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन दी स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस एंड दीज आर कॉल्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो माइक्रो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जीरोज एंड वंस की स्ट्रिंग्स होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। माइक्रो प्रोग्रामिंग इज ए मैथड ऑफ कंट्रोल यूनिट डिजाइन इन विच द कंट्रोल सिग्नल सिलेक्शन एंड सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए रोम और रैम कॉल्ड एज कंट्रोल मेमोरी। तो माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या है, एक मैथड है किसी भी कंट्रोल यूनिट को डिज़ाइन करने का, जिसमें कौन सा कंट्रोल सिग्नल सिलेक्ट होना है, कौन सा किस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस जो हैं एग्जीक्यूट होने, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो किस में, रैम या रोम में स्टोर होती है, और इस रैम और रैम में जो माइक्रो प्रोग्रामिंग स्टोर है उसको बोलते हैं कंट्रोल मेमोरी। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस आर फेच्ड फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी इन सिमिलर वे एज एन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम मेन मेमोरी। तो जैसे मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच किया जाता है, बिल्कुल माइक्रो इंस्ट्रक्शन वैसे ही कंट्रोल मेमोरी से फेच किया जाता है। ईच माइक्रो इंस्ट्रक्शन ऑल्सो एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली स्पेसिफाई द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन टू बी यूज। और हर माइक्रो इंस्ट्रक्शन में या तो एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया जाता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा, या इम्प्लिसिटली स्पेसिफाई किया जाता है कि नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन कौन सा यूज करना है, देयर बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर सीक्वेंसिंग। तो नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा एग्जीक्यूट होना है उससे हमें पता चल जाता है सीक्वेंसिंग का, मतलब सीक्वेंसिंग की इंफॉर्मेशन, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है सीक्वेंसिंग, वो उससे प्रोवाइड हो जाती है। तो किस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होने हैं, उसकी इंफॉर्मेशन या तो एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली जो है वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई की जाती है, जिससे प्रॉपर सीक्वेंसिंग हो सके, प्रॉपर ऑर्डर में माइक्रो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो सके। तो जो कंट्रोल मेमोरी है उसमें सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होंगे, और हर माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस, कंडीशन फील्ड, ब्रांच फील्ड और एड्रेस फील्ड। तो प्रीवियस वीडियोस में जो भी हमने कंट्रोल मेमोरी से या माइक्रो इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी थी, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो।